नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। गाजियाबाद में रहने वाले कार्तिक नाम के 21 वर्षीय युवक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्तिक की हत्या का खुलासा कर दिया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 पर की गई, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इस केस का खुलासा किया है, आरोपी को गिरफ्तार किया है, इस पूरे प्रकरण से कार्तिक के परिजन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कार्तिक के परिजनों का कहना है कि आरोपी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहा था। उसने कार्तिक के अलावा दूसरे दिन ही एक अन्य शख्स की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। आखिर इस हत्यारे ने ऐसा क्यों किया और खुलेआम हथियार लेकर सड़क पर किस लिए वह घूम रहा था? आखिर वहां की पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि जिस तरह से दो दिन के अंदर दो बेगुनाह लोगों को उस हत्यारे ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा, निश्चित तौर पर यह एक टेररिस्ट की तरह इन दोनों हत्याकांड को अंजाम दिया गया और पुलिस सोती रही। बड़ी बात यह है कि पुलिस का कहना है कि अभी तक आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं मिला है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पत्रकारों को बताया कि कार्तिक मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने था। इसी बीच रिचर्ड ने उसे रोका और गोलियां दाग दी। कार्तिक के परिजनों का कहना है कि भले ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन कार्तिक की हत्या करने की वजह साफ नहीं बताई गई है, इसलिए इस हत्याकांड के खुलासे से वह संतुष्ट नहीं है। कार्तिक के पिता जितेश वासुदेव ने बताया कि उनका 21 वर्षीय कार्तिक नाम का पुत्र कनाडा के टोरंटो में MBA की पढ़ाई करने गया था, जिसकी मेट्रो स्टेशन के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें इसकी जानकारी कार्तिक के अन्य साथियों से और कनाडा पुलिस से हुई तो उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में कनाडा पुलिस ने कार्तिक के हत्यारे को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय समय अनुसार 8:30 की गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी 39 वर्षीय रिचर्ड एडविन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके घर से एक दर्जन से भी ज्यादा स्वचालित हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। जब पुलिस को इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद हुए तो आखिर पुलिस ने इसे पहले से ही गंभीरता से किस लिए नहीं लिया? बहरहाल कार्तिक के परिजन कार्तिक को याद कर फूट फूट कर रो रहे हैं। उनका कहना है कि अभी कनाडा जाने का वीजा उन्हें और उनके दूसरे बेटे को मिला है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को कार्तिक का शव गाजियाबाद आएगा। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद वह कनाडा जाएंगे और वहां जाकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि वहां की सरकार से भी गुजारिश करेंगे, साथ ही कोर्ट में भी वह हत्यारोपी को सख्त सजा दिलाने की अपील करेंगे। एक तरफ टोरंटो कनाडा की पुलिस कार्तिक की हत्या का खुलासा कर भारतीय समय अनुसार 8:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के परिजन और तमाम रिश्तेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख फूट फूट कर रो रहे थे। हर किसी की जुबान पर केवल यही बात थी कि आखिर पुलिस को कार्तिक की हत्या किए जाने की वजह मालूम करनी चाहिए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।